हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सीबीएसई बोर्ड का 2021 मैथ्स पेपर सॉल्व कर रहे थे, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सेक्शन 5 33 एंड 34 इज डन। नाउ कम टू 34 में आर वाला देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ पे टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर्स, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 50 मीटर्स एंड एक टावर है बाजू में। उस टावर से हम बिल्डिंग के टॉप को और लोअर बॉटम साइड को देख रहे हैं। टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड बॉटम का 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट कितना है हमें फाइंड आउट करना है एंड आल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, और बिल्डिंग एंड टावर का डिस्टेंस कितना है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे 34 आर वाला सॉल्व करें। एक बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट 50 मीटर्स दिया हुआ है। तो लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, इजी से समझ में आ जाएगा। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग यहाँ पे एक टावर है। सो लेफ्ट साइड बिल्डिंग ले लेते हैं, राइट साइड टावर ले लेते हैं। सो ए बी, बिल्डिंग इज ए बी, देन टावर को हम सी डी दे देते हैं, सी डी। अगर ए बी कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे हमें बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बिल्डिंग और टावर का डिस्टेंस कितना है पूछा गया है, इसको फाइंड आउट करना है। इसको हम एक्स ले लेते हैं। ए बी इज़ बिल्डिंग, बिल्डिंग हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, ये अपोजिट साइड आर इक्वल। सो अगर ए बी इक्वल है तो हम इसको भी अपोजिट साइड का जितना डिस्टेंस है बिल्डिंग का उतना हमें मिल गया 50 मीटर। सो टावर का टॉप से हम बॉटम ऑफ बिल्डिंग देखेंगे तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री दिया हुआ है। देन टावर के टॉप से हम बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। सो जस्ट क्वेश्चन को ठीक से समझ कर एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, इट्स बेटर कि आपको ईजिली समझ में आएगा। आपको डायग्राम के लिए भी मार्क्स मिलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अगर ये 60 है तो भी 60 होगा, ये 30 है तो भी 30 होगा। इसको हम सी डी ले लेंगे, हम नेक्स्ट ऊपर के पार्ट को डी ले लेंगे। ए बी इज 50 मीटर एंड सी डी इज ऑल्सो 50 मीटर बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो अभी हमें टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, इसको हम एच ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम दो पूछा गया है, एक हाइट ऑफ द टावर, सेकेंड इज डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। सो लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, एच मीटर ले लेंगे, टावर फाइंड आउट करना है। देन डिस्टेंस बिटवीन बी सी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज एक्स मीटर। सो अगर बी सी इक्वल है तो ए डी भी इक्वल हो जाएगा। जस्ट हमें यहाँ पे ट्रायंगल लेना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढ के उसको हम रेशियो डालने से हमें इजीली फाइंड आउट, जो फाइंड आउट करना है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई डी, ई डी इज इक्वल टू एच माइनस 50, टोटल टावर इज एच, हमें सी डी का डिस्टेंस पता है 50, सो ई डी हो जाता है एच माइनस 50 मीटर। अभी हमें एक्स फाइंड आउट करना है और हेच फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल ले लेना है, आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल आप ई सी बी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, सेकेंड ट्रायंगल इज ए डी ई ऊपर का एक ट्रायंगल, नीचे से आपको बड़ा वाला एक ट्रायंगल बन जाता है वहाँ का एक ट्रायंगल। दो ट्रायंगल लेके आप इजीली जो पूछा गया उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो इन ट्रायंगल ई बी सी या फिर बी सी ई, आप जैसे भी, एंगल है 60 डिग्री तो हम टैन 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन यूजुअली टैन में ही आपको मिल जाता है, तो इसका रेशियो हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज ई सी, बेस इज बी सी, ई सी बाय बी सी। सो टैन 60 वैल्यू हमें पता है 1 बाई रूट थ्री विच इज़ इक्वल टू ई सी हो गया एच, बी सी हो गया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, एच इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स।
So now take second triangle. In triangle EAD, in triangle EAD angle is ये है, तो tan 30 degree ले लेते हैं. Angle का opposite हो जाता है perpendicular. So tan 30 degree is equal to perpendicular by base. Angle का opposite ED, therefore perpendicular is ED, base is AD. So tan 30 degree value is 1 by root 3, which is equal to ED हो जाता है H minus 50. यहाँ पे हमने find out करके रखा हुआ है H minus 50 upon में आ जाता है AD, AD is X. So now cross multiplication, X is equal to root 3 H minus 50 root 3. So now substitute the value of H to this equation. H value हम इसको substitute कर लेते हैं. H की क्या आया था हमें, root 3 X. So from equation 1, H is equal to root 3x. Substitute the h value to this second equation. So x is equal to root 3 into root 3x minus 50 root 3. Value substitute करके solve कर रहे हैं. So यहाँ कर लेते हैं. X is equal to root 3 into root 3x minus 50 root 3. So now root 3 into root 3, 3x minus 50 root 3. X को हम एक जगह पे ले लेंगे, x minus 3x is equal to minus 50 root 3. So x को एक जगह पे ले लेंगे, जो प्लस 3 होता है उधर आने से इसका हो जाता है माइनस 3, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50 रूट 3. एक्स इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 225 ज़ा, सो एक्स इज इक्वल टू 25 रूट 3 मीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर इज 25 मीटर. अभी हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर एच. Therefore, h is equal to root 3x from equation 1. हमें h मिला हुआ है root 3x. तो x value अभी substitute करते हैं, हमें height of the tower मिल जाएगा. h is equal to root 3 into 25 root 3. x value 25 root 3. So यहाँ बन जाता है root 3 into root 3, 3. So h is equal to 3 into 25. So h is equal to 3 into 25. Root 3 into root 3, 3 हो जाता है, 25 into में. So h is equal to 25 into 3, which is equal to 75 meter. So h is equal to 75 meter. So distance between the building and tower is x, that is 25 meter, root 3 meter. Then height of the tower is 75 meter. आपको conclusion में लिखना है. So thanks for watching. Any doubt? Thanks for watching, students. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सारा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. सेक्शन वन, पार्ट वन, पार्ट टू एंड सेक्शन वाइज मैंने सॉल्व कर लिया है सारा क्वेश्चन पेपर. ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर CBSE का आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप 2021 का क्वेश्चन पेपर बोल के मेरा प्लेलिस्ट रेडी है, आप वहाँ पे भी ये सारा पेपर सॉल्व हो चुका है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं. Thanks for watching. Again, bye.